मम्मा ईशान को आज संभाल नहीं पाऊंगी, उसको संभालना पड़ेगा ईशान को। तो कहो गाना सुना मेरा बाप संभालेगा क्या? यार मुझे सारे छोटे बच्चे आते हैं ना, पापा से मिलने बीआई में पेश लगाते हैं। मम्मा यार तो ताने खा दिए कि मैं मिलूंगी ना, तू स्ट्रांग बनो, सो रोना मत पापा को देख के, रो भी लेना कोई बात नहीं। तो पापा और क्या है, पापा ये पापा ने अपनी नोटिस लेके तुझसे संबंध रखने नोटिस तो क्या प्रमोट के सामने रखूंगा नहीं, बस क्या बालों के हो चुके हैं सफेद, पतले हो चुके हैं वो, बहुत वीक हो चुके हैं। तो मैं क्या करूं, तो पापा तो पापा ने खाना छोड़ा वो नहीं, पापा वैसे नहीं है जैसे तू सोच रहा है पहले जैसे, बहुत वीक और बहुत पतले दाढ़ी हो चुकी है फेस पे उनके, ठीक है पूरे बालों के सफेद हैं। तो बैठ ले यार, मैं बता रही हूं, मुझे भी पता है। और तू मिलेगा तो पापा को हमसे एक ग्लास लेगा, एक जाली लगी रहेगी फोन पे बात होगी। मुझे बता चुकी है कहा अच्छे से साफ नहीं होता, मैं रुमाल से जाकर साफ कर लूंगा। तेरा खुद का मन है, क्यों नहीं होगा समझ, तेरा ना हो तो उससे थोड़ी ना हो जाएगा कि मेरा मन नहीं होगा, बस वहाँ में लगना होगा। मुझे गाने की तरह ग्रीन करनी, मामा एक हॉस्पिटल से दिलवाते हुए आना। ओ माँ बड़ी लड़की, ये तो दिसंबर की बात, जाने तो दिसंबर की बात, चल कोई फोर्स नहीं करे। बाकी दिसंबर पे तो उम्मीद लगा डैड घर पे आए। हाँ और तू कह रही है मिलने चलेंगे, ऐसी मतलब ईशान तो परेशान हो जाएगा, तू मत जा बेटा, आपको बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। तो तेरे परेशान होने से थोड़ी ना मेरा पाप हो जाएगा, परेशान करिए या औरत। मैं तो स्टीवर के लिए तो प्यार से वीडियो बना रहा हूँ, खुश हो जाए मेरे भी कर लिया, ताकि मेरी दीदी खुश हो जाए। मैं स्टीवर फेल है, स्टीवर हमारा बाप है। मैं तो जब बुरा होगा ना तब भी उसका मेंटल स्टीवर, अरे तुम मरे ना, तुझे देख के ऐसा लगता है तू छाती में बैठा है। तो क्या प्रमोट के लिए पता है साली ना, अगर कोई बंदा एक दो साल घर से दूर रहेगा तो सभी आदत ऐसी होगी। मुझे राजा ज्यादा ही गलत बिहेव कर रही है ऐसा देखने लग रहा है, मतलब आज आपको नेचर देख के ऐसा नहीं लग रहा है हमेशा। क्या नेचर देख क्या, तू गंदी हरकत कर रही है जैसे, और मेरी फूफू का मारा तूने दीदी, ए दीदी मम्मा मेरे अकेले क्यों चली गई।
वो श्वेता क्यों? रुको मैं बोलती हूँ भाई, मैं क्या रहता है सुन रही हो क्या? उसको यूट्यूबर पसंद है नहीं? हाँ वो तो इशान होता है, वो यूट्यूबर आपसे ज़्यादा अच्छा है। मैंने ऐसा नहीं, नहीं तो उसको चैट करें क्या? नहीं चैट तो करेगा हूँ, चैट वैट कर रहे आप लोग। मतलब बोले कि आपसे ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा मिट्टी यादव, मैं ऐसे कोशिश करूँगा अपनी वीडियो दिखा के यूट्यूब की। मिट्टी यादव आप आजकल झूठ बोल रही हो, ये आपसे उम्मीद नहीं थी। सॉरी डाने, मैं डाकी कसम खा लूँ ऐसा मैंने खाई नहीं। हमारे पास बैठ जाओ यार, उनके लिए हम नहीं है माइका है। आने से क्यों छोड़ बोलती हो आजकल? कर रहा हूँ मैं 15-20 मिनट से। नहीं नहीं डॉक्टर मैं 15-20 मिनट से करूँगा। मैं जब मुझे रखना होगा मैं रखूँगा। अब ये बेटी सही चीज़ होगी, बेटा नहीं पसंद ना माँ को। उन्हें लगता है बेटी है जितनी दिखती है वित्ती भोली है, मगर अंदर से है ही नहीं वो भोली। ताने पता आप कितनी भोली हो है ना, सब दिखता है चेहरे से। हाँ बहुत झूठ बोल दिया ये, चालू है ये बिल्कुल। चुप बैठो औरत, बिल्कुल भोली है तू। अब हमेशा मतलब उसका साइड लेती हो, अब उसका साइड क्यों लेती? प्रेशर मत बनाओ, बाद में ना सब बातें बना रहे, आपको इसको एंड करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं प्रेशर ऐसा सर्विस मिल जा पा रही है, आपको देखेगा मंडे को, नहीं जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी क्या करना चाहिए। मंडे को फोन तो सबमिट करना, मैंने तो भाई भी पहले तो सकता है, तो सकता नहीं है बेचारे की। मेरे बेटा पापा को दिखाओ, तुम इमेजिन तो नहीं कर सकते कैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं मिलकर आती तब बहुत दिमाग खराब। तो क्या मैं अपनी राय से कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता? तू आने वाले ना, तेरे आने वाले से क्या हो जाता? तानिया अगर तूने मेरे पापा के बारे में ऐसा बोला ना पड़ेगी इसका, फिर हमें कभी बेल नहीं मिलेगी तेरी वजह से। लॉयर्स तुझ पे ही दोष लगा देंगे, फिर रोने रोते रहना लॉयर्स से मुझ पे दोष लगा।